हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ flexoffers.com के बारे में, क्या है ये, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो और कैसे आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे, या तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हैं flexoffers.com के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये है क्या। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पब्लिशर और एडवर्टाइजर्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप लोग कह सकते हैं कि ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। हम लोग उनके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और उनसे अर्निंग करेंगे और हमारी अर्निंग एक ही जगह पे कलेक्ट होगी और उसके बाद हम उसको विथड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये हैं एडवर्टाइजर्स। तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं नेटवर्क के ऊपर, और हम लोग जो कि हैं पब्लिशर, जो कि इनको प्रमोट करते हैं इन ब्रांड्स को और अर्निंग करते हैं। तो सबसे पहले तो एज अ पब्लिशर आपने अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है, तो पब्लिशर के ऊपर आएंगे, तो या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे नीचे जो साइन अप का ऑप्शन जो था वो शो हो रहा था। तो ये है पब्लिशर का पेज, यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने सिंपल अपनी बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी ये लोड हो रहा है। ओके, तो ये पांच स्टेप्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, अकाउंट इन्फो है, कंपनी इन्फो है, ट्रैफिक सोर्स है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और डन, और ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट इन्फो में क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे री इंटर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड है, ये चीज़ें हैं। और आपने येस आई अग्री पे क्लिक करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपका कंपनी इन्फो होगा। अब ये नहीं कि आपके पास कोई कंपनी होनी चाहिए, नहीं, आपके पास कोई फेसबुक पेज है, आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, जो भी है, जस्ट आपने एक चीज़ प्रोवाइड करनी है जहाँ पे आप लोग ये जो एडवर्टाइजर्स होंगे या जो ब्रांड्स होगी जिनको आप लोग प्रमोट करोगे जिस जगह पे, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट, तो वो चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। ट्रैफिक सोर्स आपने प्रोवाइड करना है जिसमें सेम आपने चीज़ प्रोवाइड करनी है, जो भी आपकी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज होगा। और उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो कि आपका जो आपको पता होगा कि कोड आता है आपके मोबाइल के ऊपर, ईमेल के ऊपर, वो चीज़ है। और उसके बाद डन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और उसके बाद वो लोग इसको रिव्यू करेंगे और आपको अप्रूव कर देंगे। तो ये सिंपल सा स्टेप है यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने का। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे, विद इन 1 or 2 business days उनका जो रिस्पॉन्स है वो आ जाता है। तो मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे और अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो लॉगिन के ऊपर ये देखिए, पब्लिशर लॉगिन, हम लोग पब्लिशर हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये पेज आ गया। और यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अगेन लॉगिन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है। मैंने भी जस्ट 3-4 days बिफोर इसको जो है वो बनाया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसका होम पेज है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, टॉप में होम है, एडवर्टाइजर्स है, रिपोर्ट्स है, लिंक्स है, डाटा फीड अकाउंट और ये सारी चीज़ें। तो अभी हम हैं होम में, यहाँ पे इसको डैशबोर्ड बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको स्टैट्स शो हो रहे हैं कि कितनी टोटल अर्निंग हुई, जो भी अप्रूव हो चुका है आपका बैलेंस, और पेंडिंग कितना है, सेल्स कितनी हुई, क्लिक्स कितने हुए, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। और उसके बाद फीचर्ड ऑफर्स जो हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, फीचर्ड एडवर्टाइजर्स जो हैं वो शो होते हैं, और उसके बाद नीचे यहाँ पे ये जो न्यू एडवर्टाइजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली न्यू ब्रांड्स या न्यू एडवर्टाइजर्स भी आते रहते हैं, तो ये वो एडवर्टाइजर्स हैं जो न्यू हैं, जिनको आप लोग यहाँ पे अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं और उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है एडवर्टाइजर्स। तो एडवर्टाइजर्स के अंदर आपको जितने भी एडवर्टाइजर्स इस नेटवर्क के ऊपर हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये नीचे कुछ और ऑप्शन है, जैसा कि अभी हम एडवर्टाइजर्स में हैं, इसके बाद है सर्च एडवर्टाइजर्स, फीचर्ड एडवर्टाइजर, न्यू एडवर्टाइजर, स्टॉप, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड एडवर्टाइजर्स। तो जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरी में कितने एडवर्टाइजर्स पड़े हुए हैं, यानी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। आप चाहते हैं कि मैं ज्वेलरी वाली जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करना चाहता हूँ, या अपेरल वाली, या शूज़ वाली, या फिर कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी है जिसको आप लोग प्रमोट करना चाहते हो, तो आपने वो यहाँ पे देखनी है और उसके अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, जिनको प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अब आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, अभी हम थे एडवर्टाइजर्स में और उसके बाद हमने चले जाना है सर्च एडवर्टाइजर्स में। नीचे आने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे ये देखिए जितने भी एडवर्टाइजर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो ये इस जगह पे ये देखिए ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लाइन। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, मैं डिक्लाइन हो गया, मतलब मेरी एप्लीकेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई। और उसके अलावा ये एक एडवर्टाइजर है जिसके ऊपर लिखा है गेट लिंक्स, यानी कि इनके लिए मैं अप्रूव हो चुका हूँ, जिनके ऊपर गेट लिंक्स लिखा है अप्रूव हो चुका हूँ। और ये है अप्लाई नो, यानी कि मैंने अभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया है। तो आपको कुछ इस तरह से शो होंगे, जितने भी एडवर्टाइजर्स होंगे वो आपको कुछ इस तरह से शो होंगे और उनको आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नो के ऊपर और अप्लाई कर देना। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए अप्लाई नो के ऊपर क्लिक किया, कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आपने क्लिक करना है येस आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद आपने अप्लाई टू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। और एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है, उसने बोला है कि 2-3 business days में आपको इसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह आप एडवर्टाइजर्स को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो जिनमें आप लोग अप्रूव हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अप्रूव हूँ या फिर किसी को भी आप लोग ओके ओपन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम सी। तो ये लिखा हुआ गेट लिंक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके जो भी लिंक्स अवेलेबल होंगे, जो भी ऑफर्स अवेलेबल होंगी वो मैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पे ये देखिए टॉप में अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग लिंक्स में आ चुके हैं। जैसे ही हमने लिंक्स के ऊपर क्लिक किया तो हम लोग अब उसके ये लिंक सेक्शन में आ चुके हैं। एडवर्टाइजर्स में थे पहले हम, और रिपोर्ट्स भी मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे ये देखिए इस साइट में आपका जो एडवर्टाइजर्स है वो सिलेक्टेड है, और उसके बाद नीचे जो एड्स की टाइप है कि किस टाइप की एड्स आप लोग बैनर टाइप है, कंट्रीज वाइज आप इसको सर्च करना चाहते हैं, प्रमोशन टाइप वाइज सर्च करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे अपनी फिल्ट्रेशन करके सर्च के ऊपर क्लिक करना और आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये उनकी जो है वो जो भी उसके लिंक्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये एक अगर आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी, जिसमें उसका डोमेन होगा यानी कि उसका क्या लिंक है। अगर आप लोग उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, और ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए homesick.com, तो इसको आप लोग विजिट भी कर सकते हैं साइट को कि कैसी है साइट, उसका डिज़ाइन और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये देखिए ये है वो ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं। वापस चलते हैं और इसको मैं क्लोज करता हूँ, और उसके बाद जैसे ही आप लोग व्यू लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए व्यू लिंक। अब ये है HTML होता है वेबसाइट्स के लिए, यानी कि वेबसाइट्स में लोग कोड के थ्रू HTML प्रोवाइड करते हैं और एक बैनर बन जाता है उनकी साइट के ऊपर शो हो जाता है, जिसके ऊपर लोग क्लिक करते हैं तो उनको जो है वो कन्वर्जन मिलते हैं यानी सेल्स होती हैं। आप लोगों ने लिंक भी ले सकते हैं अगर आप लोग लिंक लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको फेसबुक के ऊपर या फिर अगर आप लोग इसको यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं तो आप लोग ये एफिलिएट लिंक ले सकते हैं। यहाँ पे आपको HTML में कोड मिलेगा, लिंक में आपको ये वाला लिंक मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे इमेज मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे लाइव प्रीव्यू, अगर आप लोग इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे इसका कर सकते हैं। तो ये है कि कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे इनको, कैसे आप लोग उनके लिंक लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स। तो जैसे ही आप लोग रिपोर्ट्स में आएंगे आपको डेली की रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि कितने क्लिक्स हुए, कितनी सेल्स हुई। ये देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यू अकाउंट है, तो यहाँ पे ये क्लिक्स की रिपोर्ट आ रही है, टोटल कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे आएगी, और उसके बाद यहाँ पे इंप्रेशंस की रिपोर्ट आ रही है, और ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो होम भी कवर हो गया, एडवर्टाइजर रिपोर्ट्स लिंक्स डेटा फीड है, और उसके बाद है अकाउंट। तो अकाउंट में अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट्स ऑप्शन मिलेंगे, तो कौन से पेमेंट मेथड यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बैंक का यानी कि आप लोग डायरेक्टली अपने बैंक में इसकी जो पेमेंट्स है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं, नो इशू। अगर आप लोगों के पास बैंक नहीं है, अगर आप लोगों के पास एक माइक्रो फाइनेंस बैंक जैसा कि पाकिस्तान में जैस कैश या फिर इजी पैसा, तो इनमें भी ये इनकी डिटेल्स भी आप लोग प्रोवाइड कीजिए और इसमें आप अपनी पेमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं तो आप लोग अपने जो लोकल बैंक हैं वो प्रोवाइड कीजिए और उसके अंदर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद कैसे आप लोग इसको प्रमोट करेंगे, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रमोट करने के, कैसे आपने ऑफर्स को प्रमोट करना है उसके रिलेटेड मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप लोग इन एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, तो वो वीडियोस आप लोग वॉच कर सकते हैं। जैसे ही आपको एफिलिएट लिंक मिले उन वीडियो के अकॉर्डिंगली आप इनको प्रमोट कीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।